हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हम राजस्थान किसान आंदोलन में बेगू, बूंदी और अलवर किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको चीज जानना चाहूंगा, अब आप मेरे सारे वीडियो अनअकैडमी पर देख सकते हो। लिंक लेने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो और आप मुझे वहाँ फॉलो करें और मेरे सारे वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बेगू किसान आंदोलन। बेगू में किसानों से कुल 25 प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिसमें जनता में भारी असंतोष व्याप्त था। दोस्तों, इससे पहले अपन ने अभी बिजोलिया आंदोलन पढ़ा था, इसके बाद बेगू है। बेगू में जनता से 25 प्रकार के कर वसूले जाते थे। बेगू में सिंगोली वे जुम्पी कर, मतलब पशुपालन से संबंधित जो भी ये दोनों कर थे, बेगारी के साथ वसूले जाते थे। बेगू के किसानों की एक सभा 1921 में मेनाल जहाँ झरना है। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी दर्शनीय स्थान है और मेनाल का झरना है जो कि कई एग्जाम में पूछा जाता है। मेनाल के पास ही जोगनिया माता दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे बेगू के किसानों की एक सभा 1921 में मेनाल में हुई, जहाँ किसानों में कर ना देने का निर्णय किया गया था। अंग्रेजी सरकार में मेवाड़ सरकार ने ठिकानेदार अनूप सिंह वे किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है बोल्शेविक फैसला किस किसान आंदोलन से संबंधित है और किन किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेजी और मेवाड़ सरकार वे ठिकानेदार अनूप सिंह किसानों वे अनूप सिंह के मध्य। 13 जुलाई 1923 को बेगू को गोविंदपुरा गांव में अंग्रेजों ने किसान सभा में गोलीबारी की, जिसमें घटना स्थल पर ही रूपाजी व करपाजी धाकड़ की मृत्यु हो गई। 1927 में ट्रेंच आयोग की सिफारिशों के चलते ये आंदोलन समाप्त हुआ। दोस्तों, ये रूपाजी और करपाजी धाकड़ के बारे में पूछा जाता है कि किस आंदोलन से संबंधित है बेगू, और बेगू में यहाँ पे इनका दोनों का नाम का कॉलेज बना हुआ है, महाविद्यालय रूपाजी करपाजी। तो इस प्रकार ये ट्रेंच आयोग के चलते समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बरड, बूंदी या डाबी किसान आंदोलन। बूंदी के दक्षिण पश्चिम में पथरीला क्षेत्र मेवाड़ की सीमा को स्पर्श करता है, उस वह बरड कहलाता है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। दोस्तों, ये कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। पंडित नैनूराम शर्मा थानेदार की नौकरी छोड़कर ये आंदोलन और प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा, आप इसके बारे में ध्यान रखें। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी नामक स्थान पर एक किसान सभा आयोजित की गई, जिसमें बूंदी पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने बिना पूर्व चेतावनी के गोलीबारी की, जिसमें नानक जी बील वे देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। नानक जी बील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, उन्होंने अर्जी शिक्षक नाम से कविता लिखी। नानक जी बील के बलिदान के बारे में राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बील तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर रियासत में सरकारी पाठशालाओं में फीस वृद्धि एवं सुअर को मारने की अनुमति को लेकर किसान आंदोलन हुआ। अलवर रियासत में 1923 से 1924 के वर्ष में राजस्व की भारी वृद्धि की गई, जिसमें किसानों में असंतोष व्याप्त था। 1924 में गोविंद सिंह और माधो सिंह ने पुकार नामक पुस्तिका अलवर में किसानों की समस्या को उजागर किया था। अब ये पुकार नामक पत्रिका के बारे में पूछा जाता है किस आंदोलन से संबंधित है और किसने लिखी, तो गोविंद सिंह और माधो सिंह ने। 24 मई 1925 को वर्तमान अलवर जिले की बांसुर तहसील के नीमचना गांव में कमांडर छाजू सिंह को पूरे गांव को घेर कर गोलीबारी की, इसमें सैकड़ों किसान स्त्री पुरुष मारे गए। जो छाजू सिंह है, इनको राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना की जांच करवाई तथा इसे तरुण राजस्थान के एक अंक में प्रकाशित भी किया गया था। राम नारायण चौधरी ने इस घटना को नीमचना हत्याकांड कहा तथा महात्मा गांधी ने इस घटना को दोहरी डायरशाही वे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड का। कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। तब देसी रियासतों के इतिहास में इस घटना का वही महत्व है जो भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग कांड का महत्व है।
इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व तो सीता देवी ने किया था। दोस्तों देखो, इस में जहां जहां अंडरलाइन कर रखी है वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, नीम चढ़ा हत्याकांड किसे कहते हैं, या दोहरी डायर शाही किसे कहा है, राजस्थान का जलियांवाला बाग, या राजस्थान का डायर किसे कहते हैं, और अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सीता देवी ने, आदि क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने तीन किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस किया, अलवर, बेगू और बूंदी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा।